we are going to study the fourth theory of international trade, that is factor endowment theory. It is also known as a Heckscher-Ohlin theory, which is given by Mr. Ohlin, a Swedish economist. In this theory, factor endowment means the gift. जो हमें नेचर ने हमें जो गिफ्ट दिया है या जो चीज़ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, लाइक लैंड, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, क्लाइमेट, ऑल दीज कम अंडर योर एंडोमेंट और अ गिफ्ट्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट ओनली दोज गुड्स दैट रिक्वायर रिसोर्सेज विच आर अबंडेंट इन योर कंट्री. आपकी कंट्री में जो चीज़ अबेंडेंट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा है, आपको वही गुड्स को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, और उन्हीं गुड्स को आपको एक्सपोर्ट भी करना है. ठीक है, एंड यू शुड इम्पोर्ट ओनली दोज गुड विच आर शॉर्ट इन सप्लाई इन योर पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, इट मीन्स अ कंट्री डैट इज रिलेटिवली अबेंडेंट इन लेबर, यू कैन से हु आर स्पेशलाइज इन लेबर, उन्हें कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जो लेबर इंटेंसिव है. ठीक है, तो उसको अगर वो एक्सपोर्ट करेंगी तो वो क्या होगा, उनके लिए इंटरनेशनल ट्रेड फेवर में रहेगा. लाइक इंडिया इज रिच इन लेबर, तो हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट में सेल आउट करना चाहिए. ठीक है, सऊदी अरेबिया इज रिच इन ऑयल रिसोर्सेज, साउथ अफ्रीका इफ वी टेक इट दे आर रिच इन गोल्ड माइन्स, तो इनके लिए बेनिफिशियल क्या है कि दे शुड गो फॉर एक्सपोर्टिंग दीज आइटम्स ओनली, क्योंकि दीज आर द गॉड गिफ्टेड आइटम्स टू देम. देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विच इज इंटेंसिवली यू कैन यूज इन लोकल मार्केट, इन लोकली, इट इज गुड फॉर यू, बिकॉज इससे क्या है, आप अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज कर पा रहे हैं. ठीक है, एंड इम्पोर्ट ओनली दोज गुड्स विच आर लोकली स्केयर, आपके पास जो गुड्स लोकल में नहीं है या कम है, उनको अगर आप इम्पोर्ट करेंगे तो दैट इज गुड फॉर यू. इस थ्योरी के लिए जो है, इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए US में जो है आपके लियोन्टिफ पैराडॉक्स करके जो है 1953 में एक पैराडॉक्स बहुत फेमस हुआ. क्यों? क्योंकि जो लियोन्टिफ थे उन्होंने स्टडी किया US इकोनॉमी को कि क्या ये थ्योरी US इकोनॉमी में भी अप्लाई होती है. ठीक है, बट जब उन्होंने स्टडी किया, ठीक है, उन्होंने टेस्ट किया कि कुड फैक्टर प्रोपोर्शनेट थ्योरी और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी अप्लाइड इन अ गुड्स ऑफ US और नॉट, ठीक है, क्या वो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इसी तरीके से करते हैं, तो दे फाइंड दैट US एक्सपोर्टेड लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, ठीक है, एंड दे इम्पोर्ट अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट. मीन्स यहाँ आपकी जो थ्योरी थी वो फेल हो रही थी. US में जो इकोनॉमी है दैट इज अ कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी, स्टिल दे आर एक्सपोर्टिंग अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट, और वो इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट जो उनके पास ऑलरेडी अबेंडेंट है. ठीक है, तो US एज अबेंडेंट कैपिटल रिलेटिव टू अ लेबर, तो दिस सरप्राइजिंग फैक्ट जो आपका इकोनॉमी में उन्होंने देखा, इसको उन्होंने जो है लियोन्टिफ पैराडॉक्स के नाम से ये फेमस हुआ. तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि क्यों फैक्टर एंडोमेंट या फैक्टर प्रोपोर्शनेट थ्योरी आपकी यहाँ अप्लाई नहीं हो पाई, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन लेबर स्किल. उनका जो लेबर है माइट बी वो कम है एज कम्पेयर टू देयर कैपिटल, बट उसका जो स्किल है वो बहुत अच्छा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो लेबर है दे आर मोर प्रोडक्टिव, दैट्स वाई दे आर एबल टू एक्सपोर्ट अ लेबर इंटेंसिव गुड्स इन अ इकोनॉमिकल वे. ओके, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्ट ऑफ दिस थ्योरी. देन द नेक्स्ट थ्योरी इज अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी विच इज गिवन बाय वर्नॉन इन 1966. दिस थ्योरी फोकस ऑन अ प्रोडक्ट रेदर देन कंट्री. ठीक है, आपकी कंट्री या आपकी कॉस्ट एडवांटेज को वो फोकस नहीं कर रहा है, वो किस पे फोकस कर रहा है, द प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट जो है कौन सी स्टेज में है. ठीक है, इस थ्योरी ने क्या सजेस्ट किया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखेंगे, हमारा प्रोडक्ट जो होता है
वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जाता है, ठीक है। और ये जो स्टेजेस हैं ये चेंज करती है हमारी नॉलेज, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी कॉस्ट, ठीक है। जैसे जैसे स्टेजेस चेंज होंगी और हर स्टेज में हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी नॉलेज, हमारी कॉस्ट, हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा प्रोडक्शन क्राइटेरिया, ऑल आर गोइंग टू चेंज, ठीक है। इन दिस थ्योरी प्रोडक्ट जब मैच्योर हो रहा है, ठीक है, तो उसकी लोकेशन ऑफ सेल और उसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन दोनों ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट जो है नया जिस समय मार्केट में आया, उस समय जो लोकेशन उसके लिए बेस्ट थी, जो प्रोडक्शन आपका ऑप्टिमम जहाँ होता था, ज़रूरी नहीं है कि मैच्योर स्टेज में जब आएगा तो वही सेम लोकेशन उसके लिए अब ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। इट अफेक्ट द डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ, ठीक है। बट इस थ्योरी में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि अब हमारे लिए क्या है, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, इकोनॉमीज आर इंटीग्रेटेड, तो ये थ्योरी हमारे लिए इतनी वैलिडेट नहीं है, ठीक है। बट इसमें जो स्टेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या कह रही है, वी हैव अ थ्री स्टेजेस, वन इज योर न्यू प्रोडक्ट, सेकेंड इज योर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट एंड थर्ड इज योर मैच्योर प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट का मीन्स हुआ कि जिस समय आपका प्रोडक्ट नया नया मार्केट में लॉन्च होता है, और जब मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो कौन सी कंट्री लेके आती है, हु हैविंग अ वेरी गुड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिनका बहुत अच्छा हो, हु आर एबल टू इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, जहाँ पर आपका जो हाईली स्किल्ड लेबर है वो हो, या आप कह सकते हो कि बहुत एडवांस कंट्रीज जो होती हैं वहाँ पर आपका जनरली नई पहली बार प्रोडक्ट आता है। जैसे आप देखेंगे हमारे पास 5G आ रहा है, 6G आ रहा है, 8G आ रहा है टेलीकॉम में, ये कहाँ आ रहा है, इन US, ठीक है। तो अर्ली लाइफ में अपने प्रोडक्ट की जब नया नया प्रोडक्ट आता है, अर्ली लाइफ स्टेज होती है, तो जो डिमांड होती है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें US के लिए, ठीक है, कि US में जो है डिमांड है, उसके अलावा डिमांड कहाँ होगी, हाई इनकम ग्रुप कैटेगरी में डिमांड ज़्यादा होगी, जहाँ पर US के बाहर कोई हाई इनकम ग्रुप्स होंगे वही उसकी डिमांड करेंगे, विच इज़ वेरी लिमिटेड, ठीक है। देन तो यहाँ पर क्या है, इनिशियली क्या है, अदर कंट्रीज में जो है इस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, वो लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं। जब मार्केट में प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, दे आर इम्पोर्टिंग इन देयर कंट्री, ठीक है। माना इंडिया में अंबानी को चाहिए वो प्रोडक्ट, और कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा अभी, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज में है तो इट्स कॉस्ट वेरी हाई, तो वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे इंडिया में, वो सिर्फ इसे इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। देन जिस समय प्रोडक्ट आपका न्यू प्रोडक्ट में आया, मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी, अब आपकी कौन सी स्टेज आ गई, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट। ग्रोथ प्रोडक्ट में क्या हुआ कि डिमांड जो है आपकी अदर एडवांस कंट्रीज लाइक योर ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और जर्मनी, यूकेन से इंक्रीज होने लग जाती है। अब जो डिमांड वहाँ इंक्रीज होने लगी तो इट बिकम वर्थ वाइल फॉर देम कि हम उसको जो न्यू प्रोडक्ट था उसको अपनी होम मार्केट में ही क्या करें, प्रोडक्शन उसका शुरू कर दें। आपने देखा ब्रिटेन में डिमांड बढ़ने लगी तो ब्रिटेन ने डिसाइड क्या किया कि उस प्रोडक्ट को मैं इम्पोर्ट ना करके अपने यहाँ ही प्रोड्यूस करना शुरू करूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि US ने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज कहाँ पर सेटअप करने लगी, एडवांस कंट्रीज में भी सेटअप करना शुरू करा, और वहाँ से अपनी प्रोडक्ट की ग्रोथ उनकी इंक्रीज होने लगी। तो जो हाईली स्किल्ड लेबर जो थे आपके, कॉन्सिक्वेंटली आप कह सकते हो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट मतलब दूसरी कंट्री में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया है। तो US में क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट आपका किसी और कंट्री में भी प्रोड्यूस होने लगा है तो प्रोडक्ट बिकम मोर स्टैंडर्डाइज्ड। अब उसमें वो वेरिएशंस नहीं रहेंगे क्योंकि सब आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में जान गए, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट वो लोग मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, तो इट मींस दे बिकम अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट नाउ। अब जब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो गया है, बाकी एडवांस कंट्रीज भी उसको मैन्युफैक्चर करने लगी हैं, अब क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में आ जाएगा, मैच्योर स्टेज में आ जाएगा। तो मैच्योर प्रोडक्ट हो गया आपका, तो मार्केट जो आपकी पहले से प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, US, क्योंकि वो प्रोडक्ट किसका, US का था, कंट्री मैच्योर हो गई,
अब उसको जब मोर स्टैंडर्डाइज हो चुका है आपका प्रोडक्ट, अब अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तो कंपटीशन किसका होगा? प्राइस के बेसिस में होगा. तो ना कंपटीशन बिकम अ प्राइस बेस्ड, कॉस्ट बिकम द मेन कंसिडरेशन कि मुझे कैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना है. ठीक है, तो नाउ दे डिसाइड टू शिफ्ट देयर प्रोडक्शन फैसिलिटी टू लो कॉस्ट लेबर कंट्री, जहां पर कॉस्ट कम हो. जैसे एप्पल है, एप्पल यूएसए स्टार्ट हुआ, एडवांस कंट्रीज में गया, नाउ दे कम टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेबर इंटेंसिव है. क्योंकि अब उनका मेन फोकस क्या है कि मुझे अगर मार्केट डेवलप करनी है तो मुझे अपने इस प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करना है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका मेन फीचर होगा उसको फाइट करने के लिए. तो अब आपने क्या किया, प्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट करा, ऐसी कंट्रीज में जहाँ पर प्रोडक्ट आपका कम से कम कॉस्ट में बन सके. ठीक है, तो आपने देखा द शिफ्ट, यूएस प्रोडक्शन जो है एक्सपोर्ट कर रहा था जिस प्रोडक्ट को, नाउ दे आर स्टार्ट इम्पोर्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. शिफ्ट हो गया लोकेशन, बेस्ट लोकेशन यूएसए कहाँ शिफ्ट हो गई, इंडिया में हो गई. तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ कंट्री कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम द स्टेज टू अनदर स्टेज. ठीक है, तो जो पैटर्न है वर्ल्ड ट्रेड का ओवर ए टाइम, वो आपका क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है. लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें, आपका यूएस में 1960 के टाइम पे फोटोकॉपी जो आपका जेरोक्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ. ठीक है, तो जनरली इट इज सोल्ड इन यूएस ओनली. देन जेरोक्स जो है आपका धीरे धीरे जापान में और अदर एडवांस कंट्री में क्या हुआ, एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ. जब जेरोक्स की डिमांड बढ़ने लगी, तब जॉइंट वेंचर उन्होंने किया जापान में फ्यूजी के साथ, रैंक के साथ किया उन्होंने ब्रिटेन के साथ. ठीक है, तो उन्होंने जॉइंट वेंचर करके वहां पर अपनी प्रोडक्शन यूनिट शुरू करी. अब जब वहां पर भी प्रोडक्शन होने लगा, अब धीरे धीरे क्या होंगे, प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज हुआ, कॉम्पिटिटर्स आने लगे. तो जापान में कॉम्पिटिटर कौन आ गया, कैनन. दे स्टार्ट एंटरिंग टू द मार्केट. अब यूएस में एक्सपोर्ट क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया, क्योंकि डिमांड का पैटर्न चेंज होने लगा. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब जब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में आपको और ज़्यादा मार्केट क्रिएट करनी है, तो यू नीड टू डिक्लाइन योर कॉस्ट. दे स्टार्ट देयर प्रोडक्शन इन सिंगापुर, थाईलैंड, अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो सके. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप लोगों की डिमांड बढ़ने लगेगी. ठीक, तो दिस इज व्हाट दिस थ्योरी टेल यू कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कह रही है, हम प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर वी आर गोइंग फॉर एक्सपोर्ट और वेदर वी आर गोइंग फॉर द इम्पोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ द लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या इस थ्योरी की, वैलिडेड ओनली इन टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट. ये थ्योरी आपकी सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट में ही अप्लाई हो सकती है. ठीक है, एग्रीकल्चर या सॉर्ट ऑफ अगर हमारे कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ ये थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती है. ठीक, एंड ऑल्सो दिस थ्योरी टू नॉट एक्सप्लेन यू अबाउट रिसोर्स बेस्ड और सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट. भाई रिसोर्स और सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट हैं, उनमें ये थ्योरी कैसे अप्लाई होगी उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरी. नाउ द नेक्स्ट थ्योरी इज अ न्यू ट्रेड थ्योरी विच इज कम ऑन 1970. अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हम देखें, यू कैन से आपका जो ट्रेड होता है, ट्रेड जो मार्केट में हम इंटरनेशनल ट्रेड हम कर रहे हैं, इट टेक प्लेस ड्यू टू द इकोनॉमी ऑफ स्केल. हम इकोनॉमी ऑफ स्केल के बेसिस में कर रहे हैं. ठीक है, विच इज जहाँ आपने आप ये कह सकते हो विच फॉर्म प्रोड्यूसिंग अ हाई लेवल. जब आपका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इट मीन्स यू आर एंजॉइंग इकोनॉमी ऑफ स्केल. ठीक है, तो जहाँ आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा वहीं पर आप जो है एक्सपोर्ट करेंगे, उसी प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करना प्रेफर करते हो. तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपका जो है फैक्टर इन डोमेन या परफेक्ट कॉम्पिटिशन की वजह से नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल. आप कम में ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तभी आप करें, बिकॉज यू आर स्पेशलाइज्ड इन आउटपुट, यू हैव अ स्पेशलाइजेशन इन इंक्रीजिंग द आउटपुट. आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा है और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लर्निंग इफेक्ट. अगर आप एक काम को बार बार कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग अगर आप कर रहे हैं, तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे. और जब आप स्पेशलाइज हो रहे हैं तो इट मीन्स आप कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं. तो इस थ्योरी में बेसिकली ही एक्सप्लेन टू पॉइंट्स.
वन इज़ योर कॉस्ट रिडक्शन एंड इंक्रीज द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। इट मींस कॉस्ट रिडक्शन क्यों है, क्योंकि हम स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं उस काम को करने में, तो हमसे कम कॉस्ट में कोई और कंट्री उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। वी आर इंजॉइंग अ इकोनॉमी ऑफ स्केल बेनिफिट, और इसकी वजह से हमने कुछ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में, वी रिड्यूस द वैरायटी, हमने कुछ प्रोडक्ट में जो है अपना फोकस किया और उसी को प्रोड्यूस किया। और इसी तरीके से बाकी कंट्रीज में भी है, दे आर स्पेशलाइज्ड इन अदर प्रोडक्ट, तो उन्होंने इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करा। तो हमने नैरो रेंज रखी अपने प्रोडक्ट की, हमने कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे और बाकी प्रोडक्ट बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड से आपने इम्पोर्ट करे और कम कॉस्ट में करे, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर चुकी है। ठीक है, तो कम कॉस्ट में आपको क्या हुआ, एन नंबर ऑफ आइटम्स मिल गए, तो यू हैव अ चांस टू इंक्रीज योर वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ये दोनों एडवांटेज मिल रहे हैं, आप वैरायटी भी दे पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट, और आप कॉस्ट को रिड्यूस भी कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। नाउ सेकेंड इज अ फर्स्ट मूव एडवांटेज। फर्स्ट मूव एडवांटेज मीन्स जो फर्म ने पहली बार मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में एंट्री करा, उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आपने अपने कंट्री में उसको सक्सेसफुल किया, तब जाके आप मार्केट में बाहर भेजोगे। ठीक है, तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ बेनिफिट ऑफ फर्स्ट मूव एडवांटेज। आपने पहली बार उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो ज्यादातर डिमांड आप क्रिएट कर पा रहे, आपसे बेटर वहां इकोनॉमी ऑफ स्केल कोई अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कॉस्ट रिड्यूस करा, वैरायटी बढ़ाई और फर्स्ट मूव एडवांटेज लेके गए। तो न्यू ट्रेड थ्योरी क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसका बेसिक इम्प्लीकेशन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में, इट सजेस्ट कि हम स्पेशलाइजेशन अचीव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स में, जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, हमारा प्राइस रिड्यूस हो रहा है विद बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, एंड वी आर ऑल्सो एबल टू इंक्रीज द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल टू अवर कस्टमर। तो दिस इज कॉल्ड योर न्यू ट्रेड थ्योरी। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज योर नेशनल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज थ्योरी। दिस थ्योरी कम्स इन 1990। इन दिस थ्योरी मिस्टर पोर्टर बिलीव दैट कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, अभी तक कोई भी थ्योरी फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कंट्री क्यों कॉम्पिटेटिव है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम दे फोकस ऑन द फोर मेन एट्रीब्यूट्स कि हमारी कोई भी कंट्री जो है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज जो गेन करती है वो हमारे इन फोर फैक्टर्स की वजह से कर रही है, और जिस कंट्री के पास ये फोर फैक्टर्स हैं दे गो फॉर एक्सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फर्स्ट इज योर फैक्टर एंडोमेंट। फैक्टर एंडोमेंट मींस जिसमें आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, या जिस प्रोडक्ट में या जिस चीज में आप सबसे बेटर हैं, वेदर इट इज स्किल लेबर, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इज नेचर, वेदर इट इज क्लाइमेट, व्हाटएवर। ओके, फैक्टर एंडोमेंट में आप देखेंगे वी हैव अ टू टाइप ऑफ फैक्टर्स, वन इज योर बेसिक फैक्टर एंड सेकेंड इज योर एडवांस फैक्टर। बेसिक फैक्टर का मतलब होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें मिले, लाइक योर क्लाइमेट, लोकेशन, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, दीज आर अ बेसिक फैक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमें इनिशियल एडवांटेज देते हैं। दूसरा होता है हमारे एडवांस फैक्टर, मीन्स लाइक योर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका स्किल लेबर है, या आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने में हेल्प कर रहे हैं, विच यू कैन क्रिएट। और इनिशियल एडवांटेज जो आपको दे रहे हैं वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी में सुटेबल बेसिक फैक्टर्स हैं तो आप इसके बेनिफिट को रीइंफोर्स कर सकते हो विद द सुटेबल इन्वेस्टमेंट इन योर एडवांस फैक्टर। आप जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए एडवांस फैक्टर में करके आप इसके बेनिफिट को इंक्रीज कर सकते हो। मगर कुछ इकोनॉमीज ऐसी होती हैं जहां पर बेसिक फैक्टर्स नहीं होते, तो उस समय अपनी इकोनॉमी में सर्वाइव करने के लिए आपको जो है एडवांस फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो इट मीन्स उस इकोनॉमी के लिए एडवांस फैक्टर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, तो आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना होता है अपनी डिफिशिट से ओवरकम होने के लिए। लाइक जापान, अगर आप देखेंगे कि जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज इतने स्ट्रांग नहीं है, बट स्टिल दे आर लीडिंग बिकॉज ऑफ दिस एडवांस फैक्टर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने स्किल लेबर, अपनी R&D की वजह से दे आर वेरी एडवांस्ड। नेक्स्ट इज योर डिमांड कंडीशन, कि आपके
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड और आपकी सर्विसेज की डिमांड आपके अपनी पर्टिकुलर कंट्री में कैसी है। मीन्स अगर हाईली डिमांडेड है, सोफिस्टिकेटेड कंज्यूमर्स अगर आपके हैं आपकी होम मार्केट में, तो इट मीन्स वो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे हमेशा कि आप नया नया इनोवेटिव और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमेशा लाते रहें। तो जब आपके सोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स होंगे जहाँ डिमांड आपकी ज़्यादा है, आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ बार बार हमेशा देने हैं, प्रोडक्ट्स देने हैं, क्वालिटी इम्प्रूव रखनी है, तो इट मीन्स आपकी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आप गेन कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो हाई स्टैंडर्ड होगा प्रोडक्ट का, जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी जो होगी बहुत ही हाई लेवल क्वालिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका अपनी कंट्री में सर्वाइव करने के लिए, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, आपकी वहाँ की डिमांड कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपको अपने R&D पे काम करना है, एंड यू आर एबल टू गिव इनोवेटिव प्रोडक्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ये भी आपको एक एडवांटेज क्रिएट करेगा। फिर आपका आता है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आपकी वहाँ कैसी है। मीन्स आपके सप्लायर या हेल्पिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, मीन्स आपका आप कह सकते हो कि इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स आपके पास हैं, या आपको जो इंडस्ट्रीज की हेल्प चाहिए वो आपको है या नहीं। अगर आपने देखा क्लस्टर बने हुए हैं, ठीक है, जहाँ पर आपकी सेम जिस इंडस्ट्री में आप हो उससे रिलेटेड सारी इंडस्ट्री आसपास हैं, तो क्या होगा, आपका वर्किंग रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको जो है अपने मटेरियल को प्रमोट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए, देने के लिए जो प्रोडक्ट आपको देना है उसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आपको मिल जा रही हैं। ठीक है, जैसे माना टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है सेमीकंडक्टर में US की, तो वो वहाँ पर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी वाइज दे आर वेरी गुड, दैट्स वाई दे आर गुड इन पर्सनल कंप्यूटर्स, तभी वो जो है सक्सेसफुल हो पाए अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में। मीन्स आपकी वहाँ पर जो जिस इंडस्ट्री में आप हो उससे रिलेटेड उसकी सपोर्ट में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे आपका अपना प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से डेवलप होता है, सपोर्ट मिलता है। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है आपकी अपनी पर्टिकुलर फर्म की स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, वहाँ के आपके लोकल कॉम्पिटिटर, राइवलरी कैसी है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग नेशंस में दे हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी इन मैनेजमेंट। ठीक है, एंड और वो आइडियोलॉजीज आपको हेल्प करती हैं, इट इनेबल्स यू टू गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। लाइक अगर आप देखें इंजीनियर्स जो हैं जर्मनी में टॉप मैनेजमेंट जो फर्म्स हैं, या जापान में अगर आप देखेंगे वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट में ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं। ठीक, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि दे आर वेरी गुड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग। इन US अगर आप देखेंगे इन टॉप मैनेजमेंट दैट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो हैं दे आर इन अ टॉप मैनेजमेंट। ठीक, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि दे आर मोर फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिटर्न एंड ऑल, दे आर गुड इनफ इन दैट। बट वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में दे आर नॉट अ लीडर। ठीक है, दे आर नॉट एबल टू गेट एनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज कम्पेयर टू जर्मनी एंड जापान, क्योंकि वहाँ के टॉप मैनेजर इंजीनियर है, तो दे हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल एंड ऑल। बट इन US दे आर हैविंग अ टॉप मैनेजर हु आर फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सो दे आर गुड इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हेल्प करती हैं ये डिसाइड करने में कि आपको जो है किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपकी कंट्री बेटर है, और जिसमें आप बेटर हैं यू गो फॉर एक्सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपके राइवलरीज, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत स्ट्रांग है, तो इट मीन्स वहाँ पर क्या हुआ, आपको सर्वाइव करने के लिए अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होगी, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी होगी, अपनी सर्विसेज अच्छी करनी होंगी, टेक्नोलॉजी आपको अच्छी रखनी होगी, एंड यू नीड टू फोकस ऑन हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट। तो ऑल दिस हेल्प यू टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर। तो पोर्टर्स ने इन चार फैक्टर्स को एज ए डायमंड ऑफ नेशनल एडवांटेज करके फेमस किया। तो ये हमारा जो थ्योरी है वो डायमंड ऑफ नेशनल एडवांटेज करके भी फेमस है। ठीक है, तो पोर्टर्स की जो थ्योरी है अगर हम देखेंगे इट इज़ एप्लीकेबल, ये हम अप्लाई कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, बट इसकी वैलिडिटी अभी तक चेक नहीं हुई है, अभी तक इसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई है कि हम ये कह सकें कि दिस इज़ वैलिड।
थ्योरी. सो इट इज़ ओपन फॉर यू ऑल्सो स्टूडेंट्स कि आप भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं कि क्या पोर्टर की थ्योरी जो है इस कंडीशन में, इस जो हमारी अभी इकोनॉमिक कंडीशन है वहाँ अप्लाई हो पाती है नहीं. ठीक, अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट मूवर एबिलिटी है कि इट बेनिफिट द फर्म विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल, इट क्रिएट अ बैरियर कि आपकी नई फर्म नहीं आ पाएगी क्योंकि आप जितने जिस इकोनॉमी स्केल को अचीव कर चुके हैं, जितनी कम कॉस्ट में आप प्रोडक्ट को दे पा रहे हैं और आपने पहली बार दिया उस प्रोडक्ट को, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करती है. तो ये थ्योरी इस समय एम्पेरिकली जो है सपोर्ट कर रही है, इसमें स्टडी हुई है जो माना जाता है कि यस दिस थ्योरी इज मोर वैलिड. तो इस समय जो है एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे तो न्यू ट्रेड थ्योरी इज मोर एप्लीकेबल थ्योरी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. क्लियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरीज. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द वेरियस मोड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. थैंक यू.